न्यून कर दिया सोना का घंटे मेरे को। एक 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 रागनी बढ़िया करवाओगे। एक इस भाई पर ताप चिट गया और डॉक्टर दौड़ा गया। हाँ तेरे भी खाज हो रही है क्योंकि मैं लागनी फेर करा पहले तेरी खाज मेटा। तो बुखार हो रहा था डॉक्टर के चलिया गया। डॉक्टर देख के नु बोलिया भाई टीका लगेगा। नु बोलिया फिर ला भी नु बोलिया जा मुंदा नु बोलिया ना बाह मिला दे। बोलिया भाई बाह मिलाऊंगा तो बुखार उतरेगा 3 घंटे में और जब कूलर में लाऊंगा तो 15 मिनट में उतर जाएगा। बोलिया कूलर में तो कौन लवाऊ। बोलिया तू नुकर 5 मिनट सोचा फिर तू बाह में कहेगा तो बाह में ला दूंगा और कूलर में कहेगा तो कूलर में ला दूंगा। 5 मिनट मार के नु बोलिया डॉक्टर साहब सोचा। बोलिया क्या सोचा भाई। नु बोलिया सुआ ला दे बाह में चुत्तड़ तेन दिखा दूंगा। बोलिया तो किसकी भाई और ये इलाका तो सब कलाकारों का इलाका है। यहां तो बच्चे बच्चे का स्वर और ताल का ज्ञान है। बाहर से जितने साथी कलाकार आए हैं हम जैसे लोग भी दूर से चल के आए इसीलिए कि वह महसवाल और उसके इर्द गिर्द के लोग कला पारखी हैं बड़े समझदार लोग हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा पूरा दिल से वो हमारे जो हम सोच के आए हैं उसका सम्मान रखोगे। कलाकार सारे स्वाद की गारंटी इतनी गारंटी तो कोलगेट बेचने वाला भी नहीं दे सकता। तम कुत्ते थे एक लाल कुत्ता अरे काला कुत्ता दोनों का यार ना था वो लाल कुत्ता था दाम रहता भाई साहब बैठ जाओ ने वो लाल कुत्ता था दाम रहता अच्छे घर में अरे काला था किसे मेरा वर्ग टूटे अच्छे घर उन दोनों की दोस्ती होगी। वो लाल बोला भाई आज आज ये रात ने डिनर है डिनर का मतलब बोला वो रात ने मारा रोटी है चलेगा उसकी बड़ी सेवा उठाई दूध पिया बिस्कुट खिलवाई केक खुवाई। फरमांदा कालू कुत्ता ने बोला भाई तड़का मारे भी आज ये ओरा ले गया बुढ़िया थी टूटे थी वह खुरचन लाग रही घास ने वो नुकर के मैं मार मिला जाता कौन जाहिर है लोवा लागे उसका मारी दो बार बाज गया। लाल बोलिया भाई के मैं नहीं तरा जीना जाना रही तो इतना अच्छा मर जाने ठीक से वह बुढ़िया भी नहीं कुशैल थी उसकी छोरी आगी जवान थी नो बोलिया ढेड़नी कमीनी तू कड़ा गई थी तन्ने देखे इस कालू कुत्ते के लगे होंगी अंगड़ाई तोड़ के नो बोलिया भाई छह दिन की बाट में पड़िया नहीं तो उन्हें मरे लेंगे। एक बार दो मलंग थे काम धाम के मैं करे नहीं भाई बैठो रे ओ भाई बैठो 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 बैठ जा अरे कर ले तुम जो कुछ करना है बैठ जा पजामा कर ले काम बैठ जा। दो मलंग थे ईसा उनका बाप काम धाम को ऐसा करे नहीं नवे सारे दिन बैठे रहे ईसा सूत बैठा जाड्या में वो बूढ़ा मर गया। उनकी सोचा मैं रात ने के बाबू फड़क के मार जाए तड़के भूख देंगे। और पड़ोस में एक बुढ़िया थी वह भी मर गई वो बड़ा अच्छा चलता करता थी नहीं बोले भाई दिल्ली तो फलाना होगा जब आएगा बम्बी तो कलकत्ते तो सारे भाई इकट्ठे हो लेंगे जो फूकांगे उनका भी अगले दिन का प्रोग्राम हो गया। उन मलंगा का रात ना गया बेचार बीच में उठला उठला लग गया वो बुढ़ा ने उतार लिया बुढ़े ने तो उसको ठेडी में लुटाया और बुढ़िया ने ठा ले मरी हुई ने रात ने दो गुस्से घेर कर फूक दी तड़के में बुढ़िया ने तुम सारे भीतर पड़े उल्टा पसना पट्ट ने बोले क्या होया ने बोला भाई बेरा नहीं क्या रात रात में मूछ जा मेरी मां के तो बड़ी चिंता बड़े पहचान लेने बोले अरे तो फलाना बुढ़ा है फूको तो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। इतना कट्ठे हो इतना दिल निकलिया कोस ने चादर उठाओ को साल उठाओ को तुसाला को गर्म चादर को कि मैं उठाओ को कि मैं उठाओ है अजय अर्थी ठाके चाले ऊपर फूल फाल गिर के मलंग बालना गए बैठे ने बोले भाई बखत बखत की बात है बापू ने कहे पाटिया चादर नहीं ठाई आज मेरा बड़ा तुसाले डेजा है खेल में जान ला जब बहादुरगढ़ दौरा जा लिया रेडियो में खबर आ गई ये आकाशवाणी दिल्ली है और उतर गया उसने सोचा दिल्ली आएगी 2-3 घंटे घूमता फिरता रहा कागज पा गया नहीं मेरा भाई मन घनी आन होली घूमते ना लाल किला कड़े हिलने वाले बोले मैंने 4 दिन कुतुब मीनार नहीं पा रहा तू लाल किला ने कड़े ढूंढे भाई बैठ जा रहे
भाई सारे गायक आ रहे हैं, दो दो रगने के राउंड होंगे। पाले राम जी बैठे हैं, राजेंद्र खिड़किया बैठे हैं, सत्य फरमानिया बैठे हैं, अर्शुदेश शर्मा बैठी है। सुदेश शर्मा ने रुपया देगा, एक बैग रेडियो सेट में गड़बड़ होगी। उसने रोज तक लाओ तो दिल्ली भी साथ साथ पकड़े, रोज तक चल रहा था प्रोग्राम, ईद की बजाय का मतलब खेती बाड़ी का प्रोग्राम, और दिल्ली चल रहा था अनपढ़ महिलाओं का प्रोग्राम, किस तरह शिक्षित करी जा रहा है। आ जाओ भाई, ले वो पूरा खाप की खाप उठाई है। सुनाऊ तो यू तो हमने देखना है, जब मैं नोनमु करूं जब तो रोज तक, अरे नोनमु कर दे सोच लिया दिल्ली का लाग लिया है। तो अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उनको ट्रकों में भर के मिलों में भेजा जाता है, यहां पर मरे बड़े स्पीड ब्रेकर आ दें जब, यहां पर उनको शिक्षित करने के लिए उनकी अच्छी तरह से पिटाई की जाती है। अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने का सबसे पहला कारखाना 1957 में लग गया था। इससे पहले अनपढ़ महिलाएं दूसरे देशों से मंगानी पड़ा करती, लेकिन आजकल अनपढ़ महिलाओं के मामले में भारत पूर्णतया आत्मनिर्भर हो गया है। जब तक महिलाएं पूर्ण शिक्षित नहीं होंगी, दिहाड़ीदार मजदूर न्यूए मौज लेते फरेंगे। महिलाएं जितनी शिक्षित होती चली जाएंगी, मंदी में भाव उतने भी चौखे लगते चले जाएंगे। जाएंगे एक बार एक आदमी के इसे हालात हो गए, जो भी दूध वाला पशु लिया वो गड़बड़ हो जाए, दूध को दे बड़ा परेशान हो। बालक बोले बाबू तू तो फुटकर मैं कोई कमे को कमे के बाबा जी तेरे चले गया। बोला महाराज बड़ी परेशानी आई, अब देखे दूध वाला जो भी पशु लिया वो खराब हो जाए। बाबा जी ने दो डंडी दे दी, बोला ला बच्चा ये ला दिए काम चल जाएगा। जानते एक छोटी सी काटड़ी थी उसके ला दी एक डंडी, वो ब्याह आएगी दूसरी काटड़ी का लाते काटड़ी होगी दूध हो गया। गांव ने मेरा बताया भाई इसी तजर्बे का डंडी ला रहा, कोई अपनी काटड़ी लिया कोई बछड़ी लिया कोई ऊंटनी की बच्ची भी ले आया, सारा गांव का दूध कर दिया। इस बात का बड़ा फुआ उठा, अगर न्योर न्योर है या बादशाह सर उस तक जबर था, उसने जाके थाना में रिपोर्ट कर दी, अगजी गदर मचा दिया और गांव में तो अफरा तफरी माच कर कुछ नहीं बात झूठी डंडी ले रहा कुछ नहीं रहा खक नहीं सुसरत हो रहा। एक उल्टा रहा बोला कहां भाई वो बोला हां भाई क्या करता तू बोला जी मैं तो डंडिया दे दूध करया करूं। अरे तू झूठ बोलता मेरे को लगा के दिखा। एक डंडी ला दी हौलदार साहब का हो गया भी ब्यों थे। बोले साहब बदतमीज मेरा पीछा छुटा। बोला जी तो दूसरी डंडी लाए पीछा छुटेगा, दूसरी डंडी लाने हौलदार का छोरा हो गया। सरपंच का घर खाट गाल दी छुआनी पैंता फिर सरपंच गेला दुना सिपाही और रहा था उसने जाके थाने में बताई एस एच ओ आगे बोला जी न्यू बनी एस एच ओ भी लेके जीप ने बोला कहां चलो हम तो एक मैंने थप्पड़ बकवास करता सारे तने कैसे लगाई डंडी बोला जी मैंने तो ऐसे लाई थी। एक छोरा थानेदार का हो गया। सहज सहज करते करते सरपंच का पूरा सोपा भर दिया। बात एस पी साहब तो चली गई, सरपंच ने देख लिया गांव का वो भी जाके सीम पर खड़ा हो गया। एस पी साहब की जीप आई और हाथ जोड़ कर एक टांग पर खड़ा हो गया। बोले हाँ भाई क्या बात है बोला जी चाहे तो बढ़ा लिया अपनी जीप ने उल्टी नहीं सारा पुलिस डिपार्टमेंट का जापा मेरे पे कौन लिख रहा है। रेल वाली बात पर एक मेरे भी याद आएगी। एक बह के बूढ़े गए छोरा कौन था छोरी ब्याही गई और छोरी का छोरा हो गया। ये पीड़िया ले जाएंगे नहीं कोई भी नुमला रोर किसने पड़ोसी डोसी तंग करूंगा आपको ही दियाऊंगा पीड़िया। गूंद का पीपा भर लिया गठड़ पीड़िया का बांध लिया भाई रोड़ा ना करो रे पीड़िया पहुंचाना है। गूंद का पीपा ले लिया गठड़ पीड़िया बांध लिया चाल पड़िया रेल में बैठ लिया। बाबू जी बड़ा मजा किया था टीटी वो आया नुला तऊ टिकट दिखा बुढ़न का हट के टिकट दे दी। नुला देखे उस स्टेशन का बाबू जी भी बड़ा बदमाश आदमी है
तुसा तो मर्द मानसर ते थी जनानी टिकट दे दी वो बका दिया जनानी मर्दा नहीं कह दी टिकट तो एक सी थी उन्होंने बोला बेटा देखे मन बेरा कौन मन पड़ आदमी हूँ और माफी दे बोले मन ने तो माफी दे दी आगे तक और आ जाना तो ध्यान रखिए मैं बोला तू मन छोड़ दे आगे तो आप जुगाड़ भी डाल लूंगा डगदे टिटी कहने उन्होंने खोल ली गठड़ी पीड़ी वाला दामन पैर लिया रोट के लत्तर काट के घूंघट दिमाग उगड़ू बैठ गया टिटी ने देखा कहा था वो तो ड्रेस बदल गया कट दे चक्री फेर आ गया बोले ताई टिकट दिखा सदे काट के फेर दे दी बोले ले बेटा बोले देखे पहले आड़े एक बूढ़ा बैठा था उसकी तो जनानी टिकट दे दी और तू जनानी है तेरता नहीं मरदा नहीं टिकट दे दी उसकी मर्द कर जनानी का बेरा नहीं फेंक के लत्तर दे के मुछा मरोड़ी नहीं बोले मेरी सासू की टिकट ने एक रखे सीती सी नी मर्द तो मैं पूरा होता है मुछा का देख ले आवे है एक बार एक आकड़ा पान की दुकान पर चला गया यो गुलकंद हो जाना भाई शांति विद्या कर मीठे मीठा ही ले था मैं बोला भाई साहब है ओ बोले हाँ भाई बैक पान की दुकान पर चला गया मैं बोला भाई भाई साहब ये पान की दुकान है ना मैं बोला हाँ भाई बोलो मैं बोला आपके पास गुलकंद है मैं बोला भाई गुलकंद तो है फिर इतना गाढ़ा कौन जितना तू मांगे है एक भाई एक आंकड़ा खड़ा था एक और आ गया और वो आंकड़ा सांग देखने जा था उसने गड़वे बंद हो रहे और उसने बोला भाई साहब बोला सांग की तो वह है उसने सोचा त्रिया सिकर ने बोला जेल ही लिया हूं आड़े हो जाएगा ये आ गया भाई चलो आंकड़ा का नंबर चल रहा तूड़ी लेन चला गया आंकड़ा अगला कहना भी आंकड़ा टकर गया एक उसके गल और आदमी था जाके ने बोला भाई साहब कू 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 पाप का है ने बोला हाँ भाई मैं मेरा है बोल ने बोला भाई तू 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 तूड़ी लेनी है ने बोला ले 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 मिला तो बा 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 बता मिला तू 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 है कह ले गणिया नहीं खूंस पिट गई वो दूसरा बैठा था ने बोला भाई इतना तारा भागा तोड़ोगा इतना हमारी बिरशम हो जाएगी चलो चल लेंगे कोई नहीं पहुंच गए एक और के दिमाग मैंने दुकान पर लेना है आंकड़ा का और सुन लो एक बार बस में बैठा था एक आंकड़ा बराबर ने बोले ने बोला टाइम पूछा ने बोला भाई साहब आपकी घड़ी में क्या 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 टाइम हो गया बराबर वाला चुप बोला बता नहीं सकता क्या 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 टाइम हो गया फिर चुप नहीं बोला बड़ा बदतमीज आदमी है बता देने फिर भी चुप नहीं तू ऐसी तैसी क्या मत नीचे पूछ लूंगा उतर गया बराबर बोला ना बड़ा भले आदमी अरे तू घड़ी बांध रहा एक वो बताने में क्या फर्क पड़ता नहीं बोला तुम्हारी लड़ाई करा के राजी था गे आ गया भाई एक भाई एक और आंकड़ा खड़ा था बस स्टैंड पे एक बोला भाई साहब आप बस की जागी नहीं बोला पैन बोला पानी पत बोला नहीं पैन बोला पुंडरी बोला नहीं पैन बोला पहवा नहीं बोला पैन इतना बस ली ने बोला की जाती ने बोला पता नहीं हमेशा खरीदिए मैना कैसेट हरियाणवी संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाली एक ही कैसेट जिसका नाम है मैना। जब भी खरीदें अपने नजदीकी दुकानदार से मैना कैसेट ही खरीदें। मैना कैसेट आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती है। और हाँ, जब भी खरीदें मैना कैसेट खरीदते वक्त कैसेट पर मैना कंपनी का ट्रेडमार्क जरूर देख लेवे, क्योंकि घटिया और डुप्लीकेट कैसेट आपकी टेप रिकॉर्डर को तो खराब करती है और आपके संगीत का मजा भी किरकिरा करती है। इसलिए दोस्तों बहन और भाइयों सावधान, नकली घटिया और डुप्लीकेट कैसेटों से सावधान। हमेशा मैना कंपनी की ओरिजिनल टेप कैसेट ही खरीदें जो आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती है।